हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल एंड वी आर प्रोसीडिंग दैट कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर। लास्ट लेक्चर में हमने कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड और वैलेंसी, ये तीन चीज़ें कंप्लीट कर ली थी, राइट? और इनके एग्जांपल्स भी देख लिए थे। अब हम उसको प्रोसीड करेंगे। हमने वैलेंसी पढ़ी थी, राइट? वैलेंसी हमने बोला था क्या होता है कि जितने भी, अगर किसी एलिमेंट के कन्फिग्रेशन में आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन चार से कम है तो इट विल टेंड टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है? वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उसकी वैलेंसी उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगी। हम सीधा बोले कि जिस भी एलिमेंट के कन्फिग्रेशन में चार से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, वो अपने वो क्या करते हैं कि उनकी वैलेंसी उतनी ही होती है जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। और जिस भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में फोर से ऊपर इलेक्ट्रॉन है, यानी मोर देन फोर इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट? सो अब हमें क्या करना है, आगे हम प्रोसीड करेंगे। वैलेंसी हमने बोला था कि दो तरीके के एलिमेंट, एक तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब वैलेंसी, अगर मान लीजिए कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका कन्फिग्रेशन होता है 2 और 4। अब कार्बन के लास्ट में तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि ये, इसके लिए जितना इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है उतना ही डोनेट करना आसान है, या यूं कहें आसान तो नहीं है, चार इलेक्ट्रॉन लूज करना और गेन, या चार इलेक्ट्रॉन गेन करना, क्योंकि इसको स्टेबल होना है तो या तो इसको अपने चार इलेक्ट्रॉन लूज करके हीलियम के कन्फिग्रेशन में आना पड़ेगा, या उसे चार इलेक्ट्रॉन गेन करके किसके किसमें, अगर चार इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 10 को किसकी कन्फिग्रेशन है, नियॉन की, तो नियॉन की कन्फिग्रेशन गेन करना पड़ेगा। पर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज 4 इज़ अ वेरी गुड नंबर, ठीक है? तो इस मुश्किल है किसी एटम के लिए कि वो चार इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे। सो द कार्बन विल नेवर गोइंग टू डोनेट और लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, लिख लेना दैट कार्बन डू नॉट डोनेट और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इंस्टेड इट शेयर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? तो कार्बन ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना एक्सेप्ट करता है, बल्कि ये शेयर करता है इलेक्ट्रॉन और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? अब इसीलिए हम क्या बोलते हैं, दैट कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। अच्छा, टेट्रावेलेंट कार्बन का मतलब क्या है? कार्बन टेट्रावेलेंट है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी, मतलब ये क्या है कि ये चार एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? इट कैन फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, चार सिंगल बॉन्ड बना सकता है विद अदर एलिमेंट्स। सो कार्बन इज टेट्रावेलेंट, लाइक कार्बन विल फॉर्म थ्रू फोर बॉन्ड्स, फोर कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली, लाइक दिस। तो मान लीजिए ये जो बॉन्ड होते हैं, दो, दिस इज अ बॉन्ड ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, जो बोर्ड देख रहे हैं ना आप, इस बोर्ड के ऊपर है ये बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन मतलब मेरी तरफ आ रहा है, आप लोगों की तरफ आ रहा है, स्क्रीन में देखें, ये बॉन्ड इधर की तरफ आ रहा है आपकी साइड, ठीक है? एंड दिस बॉन्ड इज अवे फ्रॉम प्लेन और ऑब्जर्वर, मतलब ये आपसे पीछे जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि बोर्ड के अंदर जा रहा है ये वाला डॉटेड, ये जो एंगल होता है, ये एंगल होता है 109 degree 28 minute, एंड दिस होल, दिस शेप इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल शेप,
राइट, दिस शेप इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल शेप दैट यू विल गोइंग टू स्टडी इन क्लास प्लस वन, राइट. सो दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन हेयर. एंड दिस एंगल इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल एंगल. वॉट? दिस एंगल इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल एंगल, राइट. अच्छा, कार्बन की एक दो बातें और. जैसे कार्बन में क्या होता है, कार्बन हैज वर्सेटाइल नेचर. कार्बन का वर्सेटाइल नेचर होता है. वर्सेटाइल नेचर देखो, कहने का मतलब ये है, वर्सेटाइल मतलब दो चीज़ें इसमें आती हैं वर्सेटाइल नेचर में. एक तो कैटेनेशन शो करता है, दूसरा टेट्रावेलेंसी शो करता है. टेट्रावेलेंसी तो आपको पता चली कि किसी मतलब कार्बन की एबिलिटी कि वो चार सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, राइट. पर कैटेनेशन क्या है? कैटेनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन थ्रू विच इट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और रिंग. ठीक है, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि कार्बन की वर्सेटाइल नेचर का मतलब है कि उसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद से लिंक होकर एक बहुत बड़ी चेन बनाने में सक्षम होता है, वो बना पाता है. ठीक है, और वो चाहे तो ब्रांचिंग भी कर सकता है और वो चाहे तो रिंग भी बना सकता है. ठीक है, वो चलो हम पढ़ेंगे, पर बस सिंपल शब्दों में ये समझो कि जैसे कार्बन कैन फॉर्म अ चेन लाइक दिस, कार्बन फॉर्म अ चेन लाइक दिस, राइट, एंड कार्बन कैन फॉर्म रिंग लाइक दिस. मीन्स दिस कैन बी अ ब्रांच चेन एज वेल, लाइक ऐसे ब्रांच हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है और रिंग भी हो सकता है, राइट. तो कार्बन की ये प्रॉपर्टी कि वो स्ट्रेट लॉन्ग चेन बना पाए या ब्रांचिंग कर पाए या रिंग बना पाए, वो सारी प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन. सो दिस इज अ कैटेनेशन. एंड टेट्रावेलेंसी यू ऑलरेडी नो, देर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक. अच्छा, देख लेना बच्चों, स्पेलिंग होती रहती है मिस्टेक में से. तो दैट इज नॉट अ बिग कंसर्न इन साइंस एंड मैथ्स, राइट. सो यू विल जस्ट लुक, ठीक है, इफ देर इज सम स्पेलिंग मिस्टेक यू कैन करेक्ट यूर सेल्फ, राइट. देर इज नो नीड टू कमेंट ऑन दैट थिंग, राइट. सो अब आते हैं हम लोग कि आपने कार्बन तो समझा कि वर्सेटाइल होता है, कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है. अब आगे आइए हमारे साथ. एक सेकंड गाइस, अब हम लोग कोवेलेंट और आयनिक ये दोनों ही बॉन्ड पढ़ चुके हैं. ठीक है, एक पढ़ लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ऑल्दो विल नॉट आस्क इन योर पेपर, नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट जानकारी के लिए जान लीजिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है कि इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच वन एलिमेंट
डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन एंड शेयर बाय बोथ. इन सिंपल वर्ड दैट इलेक्ट्रॉन गिवन बाय वन एंड शेयर बाय बोथ एंड शेयर बाय बोथ, राइट. सो वॉट विल हैपन, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. लाइक देयर इज अ कंपाउंड NH3. NH3 हैज अ स्ट्रक्चर आपने बनाया होगा कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, ऐसा होता है. एंड नाइट्रोजन हैज वन लोन पेयर. लोन पेयर बताया था ना कि दैट इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड द लोन पेयर. सो और एक कंपाउंड होता है BF3. बोरॉन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं ना, ठीक है. चलो मैं तुम्हें थोड़ा डॉट सिंबल बना के दिखाता हूँ. बोरॉन लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, तो के में 2 और एल में 3, तो 3 हुआ. और एफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ शेयर कर लीजिए, ये लीजिए फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन हेलोजन है, तो कितना 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 1 2 3 4 5 6 सेवेंथ इलेक्ट्रॉन इधर, 1 2 3 4 5 6 सेवेंथ इलेक्ट्रॉन इधर, 1 2 3 4 5 6 एंड सेवेंथ इलेक्ट्रॉन इधर. देखो फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, राइट, ये देखो. बट बोरॉन स्टिल डू नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन, इट डज नॉट हैव कंप्लीट ऑक्टेट. सो व्हाट विल हैपन, दिस नाइट्रोजन विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू द बोरॉन, बट इट कांट गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू द बोरॉन, बिकॉज अगर वो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या होगा, ये खुद इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि फिर इसके पास 6 रह जाएंगे. इसके तो पूरे हो जाएंगे लेकिन इसके रह जाएंगे, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयर रहेगा. मतलब ये देगा तो पॉजिटिव, इसने एक्सेप्ट किया नेगेटिव, पर वो ऐसा नहीं है कि आयनिक बॉन्ड की तरह नहीं है. दिस इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, लाइक ये बीच में रहेंगे ऐसे, ऐसा समझो कि ये है तो इसका इलेक्ट्रॉन लेकिन शेयर इसके साथ हो रहा है. तो देखिए क्या होगा, ऐसा बॉन्ड होता है, ठीक है. तो दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बट नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, अगेन टेलिंग यू. अब आते हैं हम लोग, लेट्स वी मेक एन डिफरेंस बिटवीन द कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड, क्योंकि हमने दोनों ही चीजें पढ़ ली हैं एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड के बीच में. तो राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड. कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड के बीच में डिफरेंस बताना है, तो लगा लो भाई, एक लाइन लगाओ. कोवेलेंट लिख लो एक साइड, चलिए इधर आयनिक लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है वैसे, और इधर लिख लीजिए कोवेलेंट. देखो सबसे पहले बात, कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है. कोवेलेंट पे आ जाओ, इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छा साथ में एक एग्जाम्पल दे देना, और ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप एग्जाम्पल दे देना, ठीक है. यहाँ पर ये आपका काम है, क्योंकि मैंने करवा दिया है तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि क्लास 10th में क्या होता है, सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो अगर आप जब किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं और साथ में एक एग्जाम्पल डाल देते हैं, तो दैट विल बी मोर ब्यूटीफुल एंड दैट विल हेल्प यू टू गेट द गुड मार्क्स, राइट. और उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट में क्या होगा कि आयनिक बॉन्ड आपको पता है कि हार्ड होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं, क्यों, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। अच्छा फिजिकल स्टेट इसमें क्या होगा? अच्छा हार्ड होता है और सॉलिड होता है, ये भी याद रखना। इसमें फिजिकल स्टेट क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, मैं लिख देता हूँ, इट मे बी सॉलिड, इट मे बी सॉलिड लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लाइक Cl2 इज गैस राइट, उसके बाद Br2 इज लिक्विड एंड I2 इज सॉलिड। दिस ऑल आर द कंडीशन आर द स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ही होते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे क्लोरीन गैस है, Br2 लिक्विड है, जबकि I2 सॉलिड है, तो ये तीनों ये स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट, हम आ जाते हैं कंडक्टिविटी पे राइट। कंडक्टिविटी की बात करें तो आयनिक तो पता है आपको, इट इज एन इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर है, व्हाई? देखो ना कि कोई चीज़ कंडक्ट कब करती है, मतलब आप करंट की डेफिनेशन क्या लिखते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो जब व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज देयर विल बी कंडक्टिविटी, अदरवाइज देयर विल बी नो कंडक्टिविटी। व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट इट डज नॉट पोजेस कंडक्टिविटी राइट। सो इट इज एन इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। सो कंडक्टिविटी क्या है, हम क्या बोल रहे हैं कि इंसुलेटर है सॉलिड स्टेट में, बिकॉज आयंस कौन से, कैटायन या एनायन जो भी हैं, आर एट रेस्ट। सो बट इन मोल्टन और एक्वस फेस इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग। अब क्या कह रहे हैं, मोल्टन और एक्वस स्टेट में ये कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मोल्टन जैसे ही आप मेल्ट करेंगे आयनिक कंपाउंड को, दैट आयन विल बी मोबाइल, दैट विल बी फ्री टू मूव एंड देयर विल बी अ कंडक्टिविटी राइट। फ्लो ऑफ चार्ज विल प्रोड्यूस कंडक्टिविटी, विल प्रोड्यूस करंट बेसिकली, बट द सब्सटेंस विल गेट विल बी कॉल्ड कंडक्टर राइट। सो और एक्वस स्टेट में भी यही होता है, एक्वस स्टेट में आप किसी आयनिक कंपाउंड को अगर वाटर में मिला दो, तो वाटर में मिलने से भी उसके आयन फ्री हो जाते हैं एंड दैट विल ऑल्सो लेड टू कंडक्टिविटी राइट। अच्छा लेट्स कम टू द आयनिक कंपाउंड। सो आयनिक कंपाउंड में अगर कंडक्टिविटी की बात करूँ मैं, कंडक्टिविटी इट इज एन ओ नहीं ठीक है इट इज इट इन्वॉल्व्स नो आयन, इसमें कोई आयन तो होते नहीं, इट इन्वॉल्व्स नो आयन। सो इट इन्वॉल्व्स नो आयन, सो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कंडक्ट नहीं करेंगे। हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें आयन नहीं होते, तो इसलिए कंडक्ट भी नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी राइट। बात समझ में आई? तो ये एक बात है। और एक चीज़ और बतानी थी आप लोगों को, हमने बोला था ना कि फिजिकल स्टेट हार्ड सॉलिड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन, दिस मे बी अ सॉलिड लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर राइट, एंड दिस इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड
वेंडर वॉल फोर्स, क्या कहेंगे? वेंडर वॉल्स, देख लेना बच्चों, जगह नहीं है मेरे पास, लिख दिया। तो इट में भी सॉलिड लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर, और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, वेंडर वॉल अट्रैक्शन जिसे कहते हैं वो पाया जाता है इसके अंदर। तो प्लीज नोट डाउन करो, देन वी विल प्रोसीड फॉर द फर्दर क्लासिफिकेशन। राइट, ठीक है गाइस, आई होप नोट किया होगा आप लोगों ने। वैसे मैं यहाँ पर नोट आगे कर रहा हूँ तो देख लेना ज़रा। नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। राइट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शॉर्टकट में समझना है, FOA का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। राइट, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर हाई, ज़्यादा होंगे। अगर हम बात करें किसकी, कोवेलेंट कंपाउंड की, तो हमने क्या बोला, वीक वीक वेंडर वॉल फोर्स होता है, ठीक है, वीक वेंडर वॉल फोर्स होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लो होता है आयनिक कंपाउंड से। नेक्स्ट पॉइंट सॉलिबिलिटी पे आते हैं। आयनिक कंपाउंड की सॉलिबिलिटी की बात करूं मैं, तो इट डिजॉल्व इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं। एक जानते हैं ना, केमिस्ट्री में एक नेचर होता है जिसको बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब होता है, केमिस्ट्री में एक वर्ड होता है लाइक डिजॉल्व लाइक, कहने का मतलब है कि पोलर पोलर में डिजॉल्व हो जाता है। कहने, अब देखो, पोलर का मतलब होता है जिसके अंदर चार्ज हो, पोलैरिटी हो, ठीक है। तो पानी क्या है, वाटर क्या है, पोलर है, वाटर इज अ पोलर। कैसे, वाटर एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव ऐसे एग्जिस्ट करता है, और NaCl तो आपको मतलब आयनिक कंपाउंड कोई भी ले लो तो उसमें भी तो कैटायन और एनायन होगा ही ना, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ऐसे तो क्या होगा, इट विल गेट डिजॉल्व, सॉल्युबल हो जाएगा इसमें। राइट, अच्छा, तो अगर मैं इसमें बात करूं सॉल्युबिलिटी की, इट इज इनसॉल्युबल, पानी में नहीं घुलते, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलते, बट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, पर नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, जैसे लाइक बेंजीन, बेंजीन में घुल जाते हैं, उसके अलावा किसमें घुल जाएंगे, बेंजीन हो गया, फिर मैं बात करता हूं क्लोरोफॉर्म, दैट इज ऑल्सो नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये कुछ कंपाउंड है जिनमें डिजॉल्व हो जाएगा। राइट, उसके बाद और भी होते हैं, जैसे पेट्रोल भी होता है। अब एक चीज और बतानी थी इसी में, सॉल्युबिलिटी की बात करें हम जब, अच्छा कुछ एग्जांपल पहले, एक एक्सेप्शंस भी बताने हैं, कुछ एक्सेप्शंस इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें एक्सेप्शन है AgCl और BaSO4, ये दोनों कंपाउंड के बारे में मैं बताता हूँ। ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, सॉरी हाँ आयनिक कंपाउंड होते हैं, बट स्टिल डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर।
पर फिर भी पानी में नहीं घुलते, पानी में नहीं घुलते, प्लीज इसे याद रखना। अच्छा इसमें देखिए एक्सेप्शंस, इसमें एक्सेप्शन है आपका इथेनॉल, यूरिया, इथेनॉल, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये सारे क्या हैं? दीज ऑल आर कोवेलेंट कंपाउंड, दीज ऑल आर कोवेलेंट कंपाउंड बट स्टिल डिजॉल्व इन वाटर, स्टिल डिजॉल्व इन वाटर, पर फिर भी पानी में घुल जाते हैं। तो आपको पता चला कि एक्सेप्शन में हमने क्या कहा कि ये दो कंपाउंड आयनिक होने के बावजूद पानी में नहीं घुलते, जबकि ये कोवेलेंट होने के बावजूद पानी में घुल जाते हैं, ये एक्सेप्शन है। एक और पढ़ लीजिए पॉइंट, उसके बाद हम क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। तो लेट्स कम टू द नेचर ऑफ रिएक्शन, लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, नेचर ऑफ रिएक्शन। इफ वी टॉक अबाउट द आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड में ऐसा होता है कि जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं, आयनिक रिएक्शंस आर इंस्टेंटेनियस, आर इंस्टेंटेनियस। कहने का मतलब है क्या कि इंस्टेंटेनियस मतलब होता है कि आपने दो आयनिक कंपाउंड को मिलाया और तुरंत रिएक्शन हो गई इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो यूं हो जाती है रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को कि अब जैसे समझो AgNO3 NaCl रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बताओ, AgCl। अब ये रिएक्शन भाई इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो जाती है, और ये PPT बनता है, आपने पढ़ा होगा यार पहले चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, बाकी मैं भी पढ़ाऊंगा। AgCl ये PPT बनता है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। यू हैव टू जस्ट एड दीज टू कंपाउंड एंड इट विल going to react sudden in a fraction of second, highly exothermic reaction। Covalent की बात करूं, undergo a molecular reaction, nature of reaction की बात करें, nature of reaction तो undergo molecular reaction, molecular reaction में जाते हैं, अंडरगो मॉलिक्यूलर रिएक्शन एंड एक सेकेंड और, हाँ अंडरगो मॉलिक्यूलर रिएक्शन विच इज स्लो प्रोसेस, एंड नेवर गोज टू कंप्लीशन, नेवर गोज टू कंप्लीशन, मतलब कभी भी ये रिएक्शन पूरे नहीं होते, ऐसा कभी नहीं होगा कि रिएक्टेंट 100% रिएक्ट कर गया और प्रोडक्ट बन गया ना। एग्जाम्पल लिखिए, CH4 प्लस Cl2 विल गिव यू CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। दिस रिएक्शन विल हैव फर्दर रिएक्शन दैट विल वी विल नॉट कंसिडर, बट ऐसा होता है कि ये CH3Cl फिर Cl2 के साथ, क्योंकि ये Cl2 अगर आप एक्सेस में लेते हैं तो ये रिएक्ट करता रहता है CH2Cl2 प्लस HCl फिर से, फिर CH2Cl, मतलब ये देख रहे हो ये चेन बनती है CH2Cl2 further react with Cl2, it may take place in a number of steps, CHCl3 plus HCl and again CHCl3 plus Cl2 will give you CCl4 plus HCl. So this is the last reaction that we have,
और रिएक्शन नहीं, इसमें भी एक बात बोलनी थी, आयनिक रिएक्शन आर इंस्टेंटेनियस एंड गोज टू कम्प्लीशन। मतलब कहने का मतलब है कि आयनिक रिएक्शन में खास बात ये भी है कि जितना भी रिएक्टेंट है वो पूरा का पूरा रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देता है, जबकि मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में नहीं होता ऐसा। मॉलिक्यूलर रिएक्शन में ऑलवेज देयर आर सम पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट विच विल रिमेन अनरिएक्टेड, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड, राइट? सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड थैंक यू सो मच।